हेलो स्टूडेंट, हमें तापस सर। आज के भिडियोते तुम्हारे आज के जो परीक्षा छिल सेक बी वन, तो तरह सिक्स सेमिस्टार जर संग्रहशाला और म्यूजियम जर अर्थात लेखागार जो छो टपिके सिक्स सेमिस्टारे अर्थात जैसे सिक बी वन छो, तो तेरे एक सजेशन दिए। तो सजेशन हमारे सजेशन जो 100% कमन एस, तो सजेशन प्रूफ ने चले भिडियोते और हे ये 2022 साल जो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे से ही क्वेश्चन पेपर सम्पर्क आलोचना करी और तरह संगे हमारे सजेशन जो कमन एस 100% कमन जो इसे गए, तो नहीं आलोचना करब ताकि बोलो जरा हमारे चैनल नतून ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब करो, भिडियो भाव लगले अवश्य एक लाइक करो और पाले क्योंकि बंधु के बसि बेसि शेयर करो। ठीक है, तो तुम्हारे क्योंकि एखे जो प्रश्नगुल तो प्रश्नगुल देख। ठीक है, और तार संगे तुम्हें बोलो जो हमें ये तुम्हारे जो सिक बी वन कदर केम परीक्षा हलो क्या लिखले केम तुम्हारा परीक्षा दिले, तुम्हारा क्योंकि अवश्य हमारे तुम्हारा क्योंकि कमेंट कर जानियो जो तुम्हारे आज के जो पेपर केम आज के परीक्षा हलो। ठीक है, तो कमेंट करते क्योंकि अवश्य तुम्हारा क्योंकि भूलो ना। ठीक है, तो क्या लिखले केम एक्साम हलो अवश्य तुम्हारा क्योंकि जानियो अर्थात जरा सिक्स सेमिस्टर जरा जेनरल स्टूडेंट आसो तो तेज़ बोलो। ठीक है, तो चलो तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर हमारे सजेशन जो 100% कमन एस, तो चलो से आलोचना करी। देखो तो देखो तुम्हारे जो 2022 साले हिस्ट्री जेनारे सिक्स सेमिस्टारे सेक बी वन जो पेपर छो, तो से ही पेपारे जे सेक पेपर आो तर जो 50 मार्क्सर जो प्रश्न हम तुम्हें दिए देखो विभाग कये। देखो प्रश्न तुम्हारा कि लेखा साम्प्रतिककाले तुम्हार देखा अथवा इंटरनेट वर्चुअल भ्रमण करम एक संग्रहशाला स्मृतिसौध अथवा लेखागारे ओपर 1000 शब्दर मध्य एक प्रतिबेदन लिखो। तो ये एखे बोले तुम्हें एक संग्रहशाला स्मृतिसौध बा लेखागारे ओपर तुम्हें किन्तु एक प्रतिबेदन लिखते हैं। तो ये प्रश्न तुम्हारे तीनटे प्रश्न संग्रहशाला स्मृतिसौध और लेखागार य तीनटे प्रश्न ही किन्तु आमार तुम्हारे कमन देवा छिलो, अर्थात देखो तुम्हारे किन्तु आमी ये तीनटे प्रश्न ही तुम्हारे किन्तु सजेशने दिएछिलाम, बोलेछिलाम खूब भालो करे पढ़ते एर मध्ये किन्तु प्रबल चान्स आछे तुम्हारे। तो देखो तुम्हारे देखो आमी तुम्हारे सजेशनो देखाछि। देखो ये देखो तुम्हार देखा एक संग्रहशालार विवरण दाओ। ठीक है, लेखागारे ओपर प्रतिबेदन लेखो। देखो एक दुई स्टार मार्क देवा चले एसेछे। आबार देखो तुम्हार देखा एक स्मृतिसौधेर ओपर प्रबंध लेखो। देखो तीनटे प्रश्न ही तुम्हारा क्योंकि इसे एबार जदि क्यों दुटो भलो थे से लिखते पर अर्थात तुम्हारे क्योंकि ये 50 नम्बर प्रश्न तुम्हारे क्योंकि तीनटे तीनटे इसे आशा करी तुम्हारे क्योंकि परीक्षा खूब भलो तो कारा केमन परीक्षा दिले क्या लिखले अवश्य तुम्हारा क्योंकि हाँ कमेंट कर जानियो। तुम्हारा क्योंकि अवश्य कमेंट करो तो भाव लगे हमें आो तुम्हारे क्योंकि भिडियो बनाते क्योंकि आो हमार इच्छा जागे। ठीक है, तो तुम्हारा क्या क्या लिखले 50 नम्बरे अवश्य तुम्हारा क्योंकि हाँ कमेंट कर जानियो। तो यार तुम्हारे आसब जो 15 मार्क्सर जो प्रश्नगुल आगो नहीं देखो विभाग क्या। देखो प्रथम जो प्रश्न देखो तुम्हारे देखो जान बला 15 नम्बर प्रश्न जो तुम्हारे क्योंकि दोटो लिखते हैं। देखो फार्ष्ट प्रश्न देखो एक संग्रहशालार जो दूटी कार्यवल विवरण दाओ। ठीक है, एक नम्बर एट क्योंकि सजेशन दिए तो तुम्हारा क्योंकि देखिए देव से पर तुम्हारा क्योंकि परीक्षा इस। नेक्स्ट देखो भारत संग्रहशालार इतिहास सम्पर्के जा जान लेखो। ठीक है, এটাও কিন্তু আমি আমার সাজেশন আমি দিয়েছিলাম তোমাদের আমি দেখাচ্ছি একটু পরে তোমাদের এটাও কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় এসেছে। নেক্সট দেখো সংগ্রহশালার প্রদর্শন নীতি আলোচনা করো, এটাও কিন্তু আমি আমার সাজেশনে তোমাদের দিয়েছি সিক্স সেমিস্টার সেক বি ওয়ান ছিল তাদের কিন্তু দিয়েছি, এটাও তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় এসেছে। ঠিক আছে, লাস্টে বোঝাবো লেখাগার আরে আর্কাইভস এর সংখ্যা দাও। ঠিক আছে, ইতিহাস রচনায় লেখাগারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো, এটা আমি দিনই ঠিক কথা, তবে লেখাগারের সংখ্যা তোমাদের দিয়েছিলাম কিন্তু গুরুত্ব তোমাদের দেওয়া হয়নি। তবে তোমাদের বলবো যে ক খ গ অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু তিনটে এসছে, যারা করেছে তারা কিন্তু অবশ্যই তারা কিন্তু দুটো প্রশ্ন লিখতে পেরেছে। তোমরা কে কোনটা লিখলে কার কেমন পরীক্ষা হলো বা বিভাগ কয় কে কোনটা লিখলে অবশ্যই কি তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। ঠিক আছে, কে কোনটা লিখলে দেখো তোমাদের যে দিয়েছিলাম আমি দেখো এটাও এই যে সংগ্রহশালা কাকে বলে এর কার্যাবলী লেখো, তোমাদের কিন্তু দিয়েছে এটা। তারপর দেখো ভারতীয় জাদুঘর বা সংগ্রহশালার বিবরণ দাও। দেখো পরপর দুটো প্রশ্ন তোমরা কিন্তু কমন এসেছে, দেখো পরপর তোমরা কিন্তু চলে এসেছে কেমন। তারপর দেখো তোমাদের দেখো যে প্রশ্ন দেখো সংগ্রহশালা প্রদর্শন নীতি লেখো, সংগ্রহশালা প্রদর্শন নীতি এটাও তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় এসেছে। দেখো তোমাদের তিনটে প্রশ্ন যে কমন এসেছে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম সেটা তোমাদেরকে দেখো। তো কে কোনটা লিখলে বা কেমন পরীক্ষা হলো তোমাদের সেক বি ওয়ান আজকের পরীক্ষা কেমন হলো তোমরা কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলো না। তোমরা
তোমরা কেমন কি পরীক্ষা মানে জানবে ঠিক আছে। আর ইংলিশ ভার্সন যে কোশ্চেন পেপারটা জাস্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি, পারলে তোমরা একটু দেখে নিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করো, পারলে বন্ধুকে বেশি বেশি করে শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আজকের মতো এইটুকুই।